आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग युग लेखक युग याज्ञवल्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के प्रचोदयात शब्द के द अक्षर की व्याख्या आत्मज्ञान और आत्मकल्याण नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। आत्मगौरव की रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। जिससे आत्मगौरव घटता हो, आत्मग्लानी होती हो, आत्महनन करना पड़ता हो, ऐसे धन सुख भोग और पद को लेने की अपेक्षा भूखा रहना ही अच्छा है। जिसके पास आत्मधन है उसी को सच्चा धनी समझना चाहिए। मनुष्य का अंतःकरण कुछ विश्वासों से आच्छादित रहता है। इन विश्वासों के आधार पर ही जीवन यात्रा संचालित होती रहती है। शरीर की क्रियाएं मन बुद्धि की इच्छा अनुसार होती हैं। इस प्रकार शरीर बुद्धि और मन की गतिविधि उन विश्वास बीजों पर अवलंबित होती है। यह विश्वास बीज दो काम करते हैं। पहला, मन और शरीर को एक दिशा में कार्य करने को प्रेरित करते हैं। दूसरा, अपने से प्रतिकूल विश्वास बीज वालों के प्रति घृणा विरोध या संघर्ष उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका मानव जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। इनके थोड़े हेरफेर के कारण जीवन का रूप स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग में परिणत हो जाता है। जिसके हृदय में धारणा है कि इंद्रिय भोगों का सुख ही प्रधान है, वह भोगों के लिए बाप दादों की जायदाद फूंक देता है। जिसका विश्वास है कि ईश्वर प्राप्ति सर्वोत्तम लाभ है, वह भोगों को तिलांजलि देकर संत का सा जीवन बिताता है। जिसके हृदय में जो विश्वास जमा बैठा है, वह उसी के अनुसार सोचता है, कल्पना करता है। दिखावटी बातों से, बकवास से, बाह्य विचारों से नहीं, वरन भीतरी विश्वास बीजों से जीवित दिशा का निर्माण होता है। शास्त्रों में आत्मा को निर्लिप्त शुद्ध पवित्र कहा गया है, पर यह विश्वास बीज ही उसे एक दूसरे से पृथक संकीर्ण एवं भला बुरा बना देते हैं। अपनी बातों को ही प्रधान मानने और ठीक मानने का अर्थ और सबकी बातें झूठा मानना है। इस प्रकार इस असहिष्णुता से घृणा और विरोध बढ़ता है। सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य की प्राप्ति होना तभी संभव है जब हम अपनी भूलों त्रुटियों और कमियों को निष्पक्ष भाव से देखें। अपने विश्वास बीजों का हमें निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए। आपको कोई काम निरुत्साह से लापरवाही से या बेमन से नहीं करना चाहिए। यदि मन की ऐसी वृत्ति रखोगे तो जल्दी उन्नति नहीं कर सकते। संपूर्ण चित्त मन बुद्धि आत्मा उस काम में लगा होना चाहिए, तभी आप उसे योग या ईश्वर पहन कह सकते हो। आपका आदर्श यह होना चाहिए कि एक समय में एक ही काम अच्छे ढंग से किया जाए। जब आप अपने देश की सेवा करते हैं, तब आप यह समझकर कि ईश्वर ने आपको सेवा द्वारा अपने को उन्नत तथा सुधारने का दुर्लभ अवसर दिया है, उस मनुष्य के प्रति कृतज्ञ हो जिसने आपको सेवा का अवसर दिया है। निष्काम सेवा करने से आप अपने हृदय को पवित्र बना लेते हैं। अहम भाव, घृणा, ईर्ष्या, श्रेष्ठता का भाव और इसी प्रकार के और सब आसुरी संपत्ति के गुण नष्ट हो जाते हैं। नम्रता, शुद्ध प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, दया आदि की वृद्धि होती है। भेदभाव मिट जाते हैं। जब दूसरों की भलाई करने का भाव मनुष्य का एक अंग ही बन जाता है, तब रंच मात्र भी किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाया करती। मानव जीवन का सदुपयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, आत्मनिर्माण द्वारा, दूसरा राष्ट्र निर्माण द्वारा। आत्मनिर्माण के साधन, पहला शरीर रक्षा से, दूसरा भावनाओं पर विजय प्राप्त करने से, तीसरा बुद्धि विकास से और चौथा आत्मज्ञान से। निरोग और स्वस्थ शरीर बनाओ जिससे तुम स्वयं अनिष्टकर चिंतन से बच सको तथा अहितकर कल्पनाओं से बचकर अपना जीवन दिव्य प्रबंध से सुव्यवस्थित कर सको। भावनाओं पर विजय, गंदी वासनाएं दग्ध की जाएं। धैर्य, उत्साह, प्रेम, उदारता, दानशीलता, उपकार, नम्रता, सत्य वचन, दिव्य भावों का विकास किया जाए। ज्यो ज्यो दैविक गुण विकसित होंगे, दुर्गुण स्वयं ही दग्ध होते जाएंगे।
दुर्गुणों से मुक्ति पाने का यही एक मार्ग है। बुद्धि विकास से सत्कर्म तथा दुष्कर्म का विवेक जागृत होता है। शुभ क्या है, अशुभ किसे कहते हैं इत्यादि ज्ञान मनुष्य की बुद्धि के विकास द्वारा ही होता है। बुद्धि विकास के चार प्रमुख साधन हैं: सत्संग, अध्ययन, विचार और भूल। सत्संग से कुटुंब और समाज का कल्याण होता है। अध्ययन से मनुष्य महापुरुषों का सत्संग प्राप्त करता है। पुस्तक का अर्थ है किसी विद्वान का सर्वदा सोते जागते पुस्तक के पृष्ठों के रूप में आपके समक्ष रहना। सद्विचार से रमण करने में बुद्धि विकास का क्रम उचित दिशा में होता है। सद्विचार मन में शिव भावना, सत्य भावना और दिव्य भावना जागृत रखता है। स्मरण रखिए, जहाँ आप हैं वहाँ परमात्मा है, जहाँ परमात्मा है वहाँ आप हैं। भूल से बुद्धि विकास होता है। एक भूल का अर्थ है आगे के लिए अक्लमंदी। अनुभव अनेक भूलों द्वारा अर्जित सद्ज्ञान है। आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न तो मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है, पर सत्संग और सदुपदेश उसके प्रधान अवलंबन है। सदुपदेश वह अंकुश है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहने को प्रेरित करता रहता है। सतपथ से विचलित होते ही कोई शुभ विचार या स्वर्ण सूत्र पुनः ठीक मार्ग पर ले आता है। सत्य के शोधक, उन्नति के जिज्ञासु और कीर्ति के इच्छुक का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह केवल अपने थोड़े से अनुभव के बल पर न टिक कर मानवता को प्रशस्त और समुन्नत करने वाले विचारकों के अनुभव से लाभ उठा। आप अपनी बुद्धि और तर्क से खूब काम लीजिए, लेकिन उपदेशों में व्यक्त आधार तथा तत्व को अवश्य ग्रहण कीजिए। आपको विवेकवान बनने में ये प्रचुरता से सहायता देने वाले हैं। सत्य, प्रेम और न्याय का पथ इनसे स्पष्ट हो जाता है। एक विद्वान ने कहा है, जल जैसी जमीन पर बहता है उसका गुण वैसा ही बदल जाता है। मनुष्य का स्वभाव भी अच्छे बुरे विचारों या लोगों की संगति के अनुसार बदल जाता है। आत्मा की पवित्रता मनुष्य के कार्यों पर निर्भर है और उसके कार्य संगति पर निर्भर है। आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने वाले को आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति अत्यावश्यक है। इसका आशय यह है कि हमको विवेक के प्रकाश में अपने दोषों पर विचार करना और उनको दूर करने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण बिना निर्दोषता की प्राप्ति हो सकना बहुत कठिन है। अपना निरीक्षण हमें बल के सदुपयोग और विवेक के आदर की प्रेरणा देता है। बल के सदुपयोग से निर्बलताएं और विवेक के आदर से अविवेक स्वतः मिट जाता है। बल का अर्थ है सभी प्रकार के अर्थात तन बल, धन बल, विद्या बल और पद अथवा प्रभुता बल। धन के दुरुपयोग से समाज में निर्धनता, शिक्षा अर्थात ज्ञान, विज्ञान और कलाओं के दुरुपयोग से समाज में अविवेक की वृद्धि, तनबल के दुरुपयोग से समाज में हिंसा और चोरी, प्रभुता के दुरुपयोग से विरोधी शासन का जन्म आदि दुर्गुणों की वृद्धि होती है। आज तो हम वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा हिंसात्मक प्रयोगों से संघर्ष मिटाने की बात सोच रहे हैं, जो सर्वथा असंभव है। कारण कि विवेक के अनादर से ही प्राणी के मन में संघर्ष उत्पन्न होता है। अतः जब तक विवेक पूर्वक मन का संघर्ष न मिटेगा, तब तक समाज में होने वाले संघर्ष कभी नहीं मिट सकते, चाहे वह वैज्ञानिक हो या कौटुंबिक अथवा सामाजिक। आत्मज्ञान प्राप्त करने के सभी साधन योग से संबंध रखते हैं और इस दृष्टि से प्रत्येक सच्चा आत्मज्ञानी योगी ही कहा जाए। इसलिए आत्मज्ञान के इच्छुक को योग मार्ग का परिचय होना आवश्यक है और उसमें से अपने अनुकूल विधियों से लाभ भी उठाना उचित है। जिस प्रकार इंद्रियों के विषयों को रोकना आवश्यक है, उसी तरह मन को प्रबल संवेगों से रोकना आवश्यक है। प्रत्येक प्रकार का मानसिक विकार मन की शक्ति का विनाश करता है। शांत मन में ही शक्ति का उदय होता है। शांत अवस्था में जैसा मनुष्य अपने विषय में विचार करता है, वह वैसा ही अपने आप को पाता है। निश्चय की दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है।
जो व्यक्ति जितना ही अधिक किसी सिद्धांत के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है, वह उतना ही अधिक अपने मन को दृढ़ बनाता है। जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों से डर जाता है, उसे कहीं चैन नहीं मिलता। बहुत सी चिंताएं कल्पित होती हैं। इनकी भयानकता मन की दुर्बलता के कारण बढ़ जाती है। मानसिक शक्तियों के विकास के लिए भोले स्वभाव का होना ही श्रेयस्कर है। जो मनुष्य बाहर भीतर एक रूप रहता है, वास्तव में वही अपने स्वरूप को पहचानता है। जो अपने किसी प्रकार के दोष को छिपाने की चेष्टा नहीं करता, उसके चरित्र में कोई दोष भी नहीं रहता। ढका हुआ पाप लगता है, खुला पाप मनुष्य को नहीं लगता। जो स्वयं के प्रति जितना सोचता है, वह उतना ही अधिक अपने आप को पुण्यात्मा बनाता है। ऐसा ही व्यक्ति दूसरी आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करता है। वास्तविक आत्म कल्याण तभी संभव है जब मनुष्य आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील हो। बिना आत्मज्ञान के जो आत्म कल्याण चाहते हैं, वो बिना नींव मकान खड़ा करने की चेष्टा करते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।